हेलो एंड वेलकम ऑल। सिनोनिम्स के लेक्चर में फोर वर्ड्स आज भी हम कंप्लीट करेंगे। आज का पहला वर्ड है आर्ट। आर्ट मीन्स कौशल, आर्ट मीन्स कला। आप जानते हैं कला भी सही मीनिंग होता है, कौशल मीनिंग अभी यहाँ पे लेकर हम फोर सिनोनिम्स पढ़ेंगे कौशल का। देन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट को आप अटेम्प्ट भी पढ़ते हैं, दोनों सही है। अटेम्प्ट पढ़ना चाहिए, प्रयास करना। अटेम्प्ट का स्पेलिंग आप सबको पता होगा। अराइज मतलब उठना। एंड एट लास्ट ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मीन्स प्रमाणित, ऑथेंटिक मीन्स प्रमाणित। इस तरह से फोर वर्ड्स आर्ट, अटेम्प्ट, अराइज, ऑथेंटिक हमारे सामने हैं। इन फोर वर्ड्स के फोर सिनोनिम्स आएंगे और हम उसे ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा याद हो जाए। आर्ट के फोर सिनोनिम्स स्किल, स्किल मीन्स कौशल, क्राफ्ट, क्राफ्ट मीन्स हस्त कौशल, एप्टीट्यूड मीन्स कौशल, डेक्सटरिटी, डेक्सटरिटी मतलब निपुणता। दीज आर द फोर सिनोनिम्स ऑफ आर्ट। स्किल आपको पहले से पता है, स्किल। क्राफ्ट, क्राफ्ट भी ध्यान होगा क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट जो टर्म है साथ साथ चलता है, कहीं कहीं सब्जेक्ट होता है आर्ट एंड क्राफ्ट। तो क्राफ्ट मीन्स होता है हस्त कौशल। तो स्किल, आर्ट का स्किल एंड क्राफ्ट आपको ध्यान रहेगा। अब बचा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड तो आपने अभी पढ़ा था एक वर्ड जिसमें एल्टीट्यूड था, वहां पे कहा था एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, एप्टीट्यूड मीन्स कौशल। हाँ, जहां पे पी है उधर एल हो जाता है, कंफ्यूज वर्ड है ये। तो एप्टीट्यूड मीन्स कौशल। और एक और वर्ड आप देखिए, एपीटी, एप्ट है ना, एपीटी, एप्ट। एप्ट मतलब होता है निपुण, निपुण एडजेक्टिव है। यहीं से निपुणता, निपुणता या कौशल करके वर्ड बना हुआ है एप्टीट्यूड। देन डेक्सटरिटी, डेक्सटरिटी भी आपने पढ़ा है, डेक्सट्रस पिछले लेक्चर में, मतलब नॉट जस्ट पिछले, पीछे लेक्चर में है। डेक्स्ट्रस मतलब निपुण, सो डेक्स्ट्रिटी है निपुणता। सो आर्ट के स्किल, क्राफ्ट, एप्टीट्यूड, डेक्स्ट्रिटी कंप्लीट किया हमने। नाउ कम्स अटेम्प्ट। अटेम्प्ट के फोर सिनोनिम्स स्ट्राइव, एक ही बार हम पढ़ जाएंगे स्ट्राइव, स्ट्रगल एक ही बार हम पढ़ेंगे, संघर्ष करना, एंडेवर प्रयास करना, वेंचर पहले भी देखा है आपने इसको, जोखिम उठाना। स्ट्रगल को पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए स्ट्रगल करना का मतलब होता है कि किसी मुकाम को हासिल करने की कोशिश करना, लड़ाई करना भी होता है, लेकिन संघर्ष करने का दूसरा मतलब भी है कि किसी मुकाम को हासिल करने की कोशिश करना, इसलिए स्ट्रगल को अटेम्प्ट के बराबर माना गया है और इसी सिनोनिम में डाल दिया गया है। ऐसे ही जो एंडेवर होता है प्रयास करना, डेफिनेटली प्रयास करना तो मैच कर रहा है। वेंचर जोखिम उठाना, तो हम जोखिम क्यों उठाते हैं, समथिंग हासिल करने के लिए, उसको हासिल करने जो हम प्रयास करते हैं, दैट इज नोन एज जोखिम उठाना, जो कि सामान्य बात नहीं होती है। सो वेंचर भी अटेम्प्ट का सिनोनिम में काउंट होता है। तो इस तरह से अटेम्प्ट के सिनोनिम स्ट्रगल एंड वेंचर कैसे हुए समझ में तो आ गया। अब स्ट्राइव का मतलब प्रयास करना है ही, तो ये तो होगा। एंडेवर का मतलब प्रयास करना है, तो ये भी होगा। आपको स्पेलिंग ध्यान रखना है एंडेवर का, मिस स्पेल्ड में बहुत पूछा जाता है एंडेवर का स्पेलिंग, एन ई एन एन डी ई ए डे वी ओ यू आर, एंडेवर प्रयास करना। स्ट्राइव, ट्राई जो वर्ड आप जानते हैं ना, ट्राई मतलब प्रयास करना, उसका बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म है स्ट्राइव। ट्राई का मतलब है प्रयास करना, स्ट्राइव का मतलब है प्रयास करना। और भी बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं सिनोनिम्स जो कि नहीं लिखा, बिकॉज आपको पता है जैसे ही ऑप्शन आएगा आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अराइज मीन्स उठना। अराइज करने से पहले फिर से दोबारा रिपीट कर लेते हैं। आर्ट के फोर सिनोनिम्स स्किल, क्राफ्ट, एप्टीट्यूड, डेक्सटरिटी। अटेम्प्ट के फोर सिनोनिम्स स्ट्राइव, स्ट्रगल, एंडेवर एंड वेंचर। नाउ अराइज, अराइज के फोर सिनोनिम्स सरफेस, सरफेस मतलब उभरना, कमेंस शुरू होना, अमर्ज ई एम ई आर जी अमर्ज उभरना, अपीयर अपीयर प्रकट होना।
अराइज मीन्स उठना, कोई मुद्दा उठता है ना, कोई मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा जो उठा उठा करता था है ना, यहीं पे उसी को अराइज कहते हैं। जग कर सो कर उठना अराइज, वो चलता है, सूर्य का उगना अराइज चलता है, लेकिन यहाँ उठने का मतलब है कि कोई मुद्दा उठना, शुरू होना। सो ऐसे ही सरफेस उभरना मतलब सतह पर आना, तो कोई बात सतह पर आता है ना, तो यह भी उठने के बराबर ही है सरफेस। कमेंस शुरू होना, अमर्ज उभरना, और अपियर प्रकट होना, इसलिए अराइज के सब सिनोनिम्स हैं, ऑलमोस्ट मैच करता हुआ मीनिंग हो गया इनका। तो अराइज का सरफेस, कमेंस, अमर्ज एंड अपियर। अपियर आप जानते हैं प्रकट होना, सरफेस उभरना जानते हैं, अमर्ज भी इसे इमर्ज इमर्ज पढ़ते हैं आप, अमर्ज उभरना एंड कमेंस, सारे वर्ड्स मिले हुए हैं, ध्यान रखना है कि अराइज के सिनोनिम्स हैं सारे। सो अगेन रिपीटिंग, आर्ट, स्किल, क्राफ्ट, एप्टीट्यूड, डेक्सटरिटी, अटेम्प्ट के, स्ट्राइव, स्ट्रगल, एंडेवर, वेंचर, एंड अराइज के सरफेस, कमेंस, अमर्ज, अपियर। नाउ इज द लास्ट वन, दैट इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मीन्स प्रमाणित, प्रमाणिक, प्रमाणिक मतलब प्रमाणित किया हुआ, सही वाला, सही। ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक, सही, सही मतलब गलत हो ही नहीं सकता वो जो ऑथेंटिक है। नाउ अब क्या हो गया, जे नू इन, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, जेनुइन, जेनुइन मीन्स वास्तविक, जेनुइन वास्तविक। देन बोनाफाइड प्रमाणिक, फिर रिलायबल विश्वसनीय, लेजिटिमेट वास्तविक, लेजिटिमेट। आपको जितना बार में पढ़ना है उतना अंडरलाइन कर रहा हूं, और कितना कितना पढ़ना है एक बार वो मतलब भी समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं इसमें आपको लिखा हुआ प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सच्ची सही मिल रहा है, हिंदी भी सही है, और उच्चारण कितने सिलेबल में करना है, कितने बार में करना है यह भी मिल रहा है। सो और साथ में याद कराने की पूरी कोशिश की जा रही है, सो आप इसको याद कर लेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में देखते वक्त याद नहीं हो रहा है, 1 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए, इसको पाउज कर लीजिए और याद कर जाइए, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक, प्रमाणिक मतलब प्रमाणित किया हुआ, मतलब सही, एक तरह से कह सकते हैं कि सही भी इसका मतलब होता है। जेन्युइन मतलब वास्तविक है ना, सही, जो हम कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर लेते हैं तो कहते हैं जेन्युइन देना, सही देना है। देन बोनाफाइड मतलब प्रमाणिक, बोनाफाइड बहुत यूज होता है ये, बोनाफाइड बहुत स्पेलिंग बहुत सिंपल है बोनाफाइड। रिलायबल, रिलाई होता है एक वर्ड है, रिलाई, रिलाई मतलब भरोसा करना, वहीं से बना है रिलायबल, विश्वसनीय। फिर है लेजिटिमेट मतलब वास्तविक, लेजिटिमेट वास्तविक। सो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है, वंस रिविजन इज विल मेक इट ओके। सो आर्ट का कौशल, आर्ट जो कौशल है इसका 4, स्किल, क्राफ्ट, एप्टीट्यूड, डेक्सटरिटी, अटेम्प्ट के 4, स्ट्राइव, स्ट्रगल, एंडेवर, वेंचर, अराइज के 4, सरफेस, कमेंस, अमर्ज, अपियर, एंड एट लास्ट ऑथेंटिक के 4, जेनुइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेन्युइन का स्पेलिंग, बोनाफाइड यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलायबल, लेजिटिमेट। सो इस लेक्चर में इतना ही है, होप आप सबको याद हुआ होगा, अगर थोड़ा बहुत बचा है तो वीडियो को पॉज करके इसको याद कर जाइए। थैंक यू वेरी मच।